डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी का क्लास सिक्स का ये मैथ एक्सरसाइज 7.5 है। क्वेश्चन नंबर टू हम लोग के पास है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे ऐड का अगर साइन दिया हुआ है तो ऐड करना है, और माइनस का साइन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट का तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों मिला जुला के दिया हुआ है, तो काफ़ी ईजी मैथ है ये, आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का मैथ में जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको प्लस करना या माइनस करना काफ़ी ईजी होता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर टू का तीन पार्ट मैंने लिया है, ए बी सी, जिसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 1 ये हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 2/18। इसका मतलब है ये कट के कितना आएगा, 2 × 9 = 18। इसका मतलब 1 ऊपर में 1 रह जाएगा, 1/9 ये आंसर हो जाएगा। बी में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नीचे में 15 और ऊपर में जो नंबर है वही हो जाएगा 8 + 3, तो 8 × 3 = 11 हो गया, 11/15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 7 लेते हैं और यहाँ 7 - 5, तो इसका मतलब यहाँ माइनस दिया हुआ है, 7 में से 5 गया तो 2/7, तो 2/7 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें और दिया हुआ है, तो अगला पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का डी ई और एफ पार्ट है हम लोग के पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ सिंपली सब का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए बनाना काफ़ी ईजी है। यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और ये 22 यहाँ पर लेते हैं, और ऊपर में जो नंबर दिया हुआ है सेम साइन के साथ उसको रख देते हैं, प्लस दिया हुआ है तो प्लस के साथ रख देते हैं, 21 + 1 = 22 हो गया, और नीचे में भी 22 है तो 22 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, 1 = 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ई नंबर में यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, नीचे में 15 हो गया और ऊपर में 12 - 7 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे नीचे में 15 तो 5 × 3 = 15 कट गया, यहाँ पे ऊपर में 1 हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1/3 ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ 5 + 3 कितना हो गया, = 8/8, 8 कट गया कैंसिल हो गया तो 1 बार में गया, तो इसका मतलब है कितना हो गया इसका आंसर, 1, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का जी एच और आई पार्ट है हम लोग के पास, तो यहाँ पे इसको माइनस करना है। तो इसके नीचे में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है और इसका मतलब बतलाया हुआ है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, तो 1 = 3/3 हम लोग ले सकते हैं। तो 3/3 या 5/5, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3/3, तो 3/3 हो गया। तो इसका मतलब है कि इस तरह से लिख सकते हैं 3/3 - 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और यहाँ पर 3 और ऊपर में जो है 3 - 2 = 1/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद एच में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, 0/ कुछ भी नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो 1/4 में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, 0 को ऐड करते हैं, तो फिर उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। फिर भी हम बाई सिस्टमेटिक ढंग से बना लेते हैं, 4 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर में लेते हैं 1 + 0, तो कितना हो गया, 1/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 3/1 ले सकते हैं। तो 3/1 अगर डिनोमिनेटर सेम करना हो, इसके इक्वल डिनोमिनेटर अगर हम लोग करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, यहाँ पर 15 और यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ भी 5 डिनोमिनेटर और यहाँ भी 5 डिनोमिनेटर, तो इसको इसके जगह पर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 15/5 - 12/5, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 5 हो गया, ये हो गया 15 - 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3/5, इसका मतलब है कि ये कटने वाला तो है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।